नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल की आईटीआई से, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज कौशल दीक्षांत समारोह है, जिसमें एक से दो साल जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने आईटीआई से अपनी पढ़ाई की है वो आज यहां पर पहुंचे और उनका कॉन्वोकेशन डे है, यानी कि दीक्षांत समारोह है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आप देख सकते हैं नीलोखेड़ी से विधायक हैं, एमएलए हैं नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर जी, जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर आज इस कौशल दीक्षांत समारोह में पहुंचे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। उसके साथ साथ आपको आईटीआई के प्रिंसिपल हैं धर्मेंद्र जी, वो देखने को मिल रहे होंगे, जोगेंद्र ढुल हैं जो कि आरटी इंस्पेक्टर हैं, कुलदीप सिंह हैं जो कि जीएम हैं रोडवेज से, और उनके साथ साथ अनिल जी हैं वर्कशॉप मैनेजर हैं, और जसविंदर संधू जी हैं जो कि आईटीआई करनाल से हैं, जो इस वक्त आपको मंच संचालन करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे और एक खुशी भी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि आज दीक्षांत समारोह है, यानी कॉन्वोकेशन डे है। तमाम बच्चे हैं जो आपको यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे और एक एक करके उन्हें मंच के ऊपर बुलाया जाएगा और उसके बाद इस दीक्षांत समारोह को आगे बढ़ाया जाएगा। और डिप्लोमा के साथ उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है कौशल दीक्षांत समारोह में। उसके बाद अगली आपका स्वागत करते मिले, ये तृतीय स्थान पूरे भारतवर्ष में प्राप्त किया है, ये हमारे संस्थान के लिए और जिले के लिए गौरव की बात है। और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक खुशी की बात है जब बेटियां आगे बढ़ती हैं, और ऐसे में ये जो कौशल दीक्षांत समारोह है ये आप आईटीआई करनाल से देख रहे हैं, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर नीलोखेड़ी से विधायक हैं धर्मपाल गोंदर, जो अपने हाथों से ये सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेड से हैं और इस बच्चे ने हासिल किया है आईटीआई से, और करनाल का भी नाम रोशन किया, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया, और आज इस दीक्षांत समारोह में उन्हें भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। आगे ले जाते हैं और नेक्स्ट आप देख सकते हैं विशु है, फर्स्ट पोजीशन उन्होंने देश में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले विशु को आज सम्मान दिया जा रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए, इस बच्चे ने इतना ही प्रयास किया है। तृतीय स्थान रहा है पूरे देश भर में विकास कुमार, विकास हैं जिनका तालियां तीसरी पोजीशन रही है, तीसरा स्थान उन्होंने हासिल किया है। अंकित है कारपेंटर ट्रेड से, ट्रेड में, और उसके बाद अंकित हैं आप देख पा रहे हैं उन्हें भी अंकित कारपेंटर ट्रेड से, कारपेंटर ट्रेड से हैं अंकित, और उन्हें डिप्लोमा दिया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं आकृति हैं जिनको आज इस कौशल दीक्षांत समारोह में डिप्लोमा दिया जा रहा है, और एक एक ये वही करके सभी छात्रों को अब डिप्लोमा दिया जाएगा। मजबूत करनी चाहिए, आप आओ सर, नंबर ट्रेड से प्रवेश में किसी दफ्तर में बीटीए कार्यरत मिले, जो जो छात्रों के छात्रों के टीचर साहिबान हैं जिनकी कक्षाओं के छात्र थे वो कृपया आप बताना चाहिए कि एक स्पेशल वो है कि उनको एक बार स्टेज पर बुलाएं, जो छात्र अभी सम्मानित हुए हैं एक अच्छी दिशा की ओर आगे बढ़े और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन। विधायक हैं धर्मपाल गोंदर जी जो कि आज इस दीक्षांत समारोह में पहुंचे। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, नीलोखेड़ी उपमंडल बन गया उसके लिए, और आज दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सारी मीडिया का करनाल की धन्यवाद करता हूँ, जो अपना घर का काम छोड़कर जो सच्चाई के साथ खड़े हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और महक बेटा आपका तो मैं ज़्यादा ही धन्यवाद करता हूँ, आप हर समय 24 ही घंटे समाज के साथ खड़े हो, सच्चाई के साथ खड़े हो,
आज यहाँ प्रोग्राम था आईटीआई का, जितने बच्चों ने यहाँ जितने बैठे थे इनका ये यहाँ पढ़ाई का लास्ट दिन था। आज इनको विदाई देनी थी स्टाफ ने भी, जो इनसे जूनियर बच्चे हैं, तो इन बच्चों को मैं बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने जो यहाँ से शिक्षा ली उसमें जाकर अपने मिशन में कामयाब हो, अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करें और ऐसे ही बच्चों को संस्कार मिलते रहे। माँ बाप के बाद टीचर संस्कार देते हैं, मैं इसके लिए यहाँ के स्टाफ का भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और जोगिंदर सिंह ढुल भी हैं जो कि आरटी इंस्पेक्टर हैं और ख़ुद भी उन्होंने आरटीआई से पढ़ाई की थी, आईटीआई से यानी कि पढ़ाई की थी। सर आज आप बच्चों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर सामने खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे बच्चों से? मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से आज का जो ये प्रोग्राम है, आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे धर्मपाल गोंदर जी चेयरमैन साहब, विधायक नेहलू खेड़ी की अध्यक्षता में प्रोग्राम हुआ। तो आज आईटीआई के जो छात्र प्रथम ईयर और सेकंड ईयर की जो परीक्षा पास की है, आज परीक्षा पास करके इनको सर्टिफिकेट उत्तीर्ण किए गए, जिसमें जिसने प्रथम स्थान सेकंड स्थान प्राप्त किया उनको सर्टिफिकेट विधायक जी द्वारा दिए गए। और आपके माध्यम से सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और उनके उज्ज्वल विषय की कामना करता हूँ। मैंने बच्चों से अपना जो बचपन है स्टूडेंट लाइफ को शेयर किया। मैं 90 में स्टूडेंट था आईटीआई का स्टेनो का कैथल में, उसके बाद मैंने वहाँ से परीक्षा उत्तीर्ण करके आईटीआई में भी 94 से लगभग 2002 तक आईटीआई की सर्विस की है। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा प्रधानाचार्य जी ने आज हमारे जो ये मान सम्मान दिया है उसके लिए मैं पूरे स्टाफ के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विधायक जी ने जो समय दिया यहाँ उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ और धन्यवाद करता हूँ। तो हमारे साथ जीएम रोडवेज भी हैं कुलदीप जी, जो कि आज के इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे थे बच्चों के बीच में। सर बच्चों के बीच में जब भी पहुँचते होंगे काफ़ी खुशी होती होगी और अपने स्कूल के अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के भी दिन याद आते होंगे। हाँ हाँ, हम यहाँ दीक्षांत समारोह में बुलाया गया था तो मैं, विधायक जी भी आए हैं और ये प्रिंसिपल साहब ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रखा था और हमारी टीम आई हुई है। हम यहाँ से कैंपस से पहली बार बच्चों का यहाँ सिलेक्शन अप्रेंटिसशिप के लिए करके लेके जाएंगे। और बस इतना। सर आपकी वर्कशॉप में भी स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है? जी जी, हमारे पास स्टाफ कम है तो स्टूडेंट का ही रहता है, अप्रेंटिस बच्चे ही ज़्यादा हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छा काम। हाँ, मैं उनको शुभकामनाएँ दूंगा कि वो अच्छे से ट्रेंड होके बहुत अच्छे मैकेनिक बने या अपनी वर्कशॉप खोले, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें, स्टार्टअप दें। जसविंदर संधू जी भी हैं आईटीआई करनाल से, सर क्या कहना चाहेंगे आज इस दीक्षांत समारोह को बड़ा यानी कि एक अच्छा रूप भी दिया गया, क्योंकि पहले मैंने देखा कि टॉपर स्टूडेंट्स को आज सम्मान दिया गया। हाँ जी, हम सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे विधायक जी का कि जो दीक्षांत समारोह के अंदर आए हैं। ये प्रथम बार दीक्षांत समारोह मनाया गया है, कौशल दीक्षांत समारोह पूरे देश में आज ही मनाया जा रहा है विश्वकर्मा जयंती पर, और पहले इस प्रकार की प्रथा नहीं थी, लेकिन ये बहुत ही हर्ष का विषय है हम सबके लिए। और विधायक जी का डबल धन्यवाद इसलिए कि जम्बा में नीलोखेड़ी हल्के में एक नई आईटीआई शुरू की गई है, अब की बार ही उसके दाखिला हो चुके हैं और वहीं के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उसकी क्लासेज चलेंगी। हमारे यहाँ पे लगभग 90% से ऊपर रिजल्ट रहा है और आपने देखा देश में प्रथम और तृतीय स्थान के छात्र हमारे संस्थान के रहे हैं और काफ़ी सारे छात्र हैं जो स्टेट टॉप किया है। बहुत ही हर्ष का विषय है जो छात्र पास होकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंपनीज में कोई अपना रोजगार करेगा, कोई विदेश जाएगा, कोई हायर स्टडी में जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हमने छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं और बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट का प्रबंध भी प्रधानाचार्य जी के द्वारा किया गया है और बहुत ही खुशी का विषय है आज संस्थान में। तो दीक्षांत समारोह है और काफ़ी खुशी का भी एक माहौल बना हुआ है इस तरफ, जो बच्चे आप देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग कामों में आगे जाएंगे और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं आईबन 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।